हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। दिस इज सी प्रोग्रामिंग हिंदी ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है AKHD सॉल्यूशन से, जहां पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी तक आपने अगर AKHD सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, लास्ट की वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं इंट्रोडक्शन हमने देखा था, प्रॉपर मैंने स्लाइड में आपको समझाया था, थ्योरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बताया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखिएगा, इस ये जो हमारे पास पूरी यहाँ पे टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। इससे पहले आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एक टेबल हमारी रह गई थी जो मोड की टेबल थी, मोड की टेबल थी, ठीक है। अब मोड का भी हम क्लियर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखेंगे हमारे मोड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर हमको फाइल ओपन करनी है रीड मोड में, इट मीन उसके अंदर हमें डेटा रीड ही करना है, तो हम R से खोल सकते हैं, एंड अगर हमें राइट करना है तो W से खोल सकते हैं, ठीक है। W यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अगर हमको डेटा अपेंड करना है, अपेंड का मतलब अगर मान लीजिएगा पहले लाइन यहाँ तक राइट डाउन की गई है, ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि इसके बाद से डेटा आए उसके अंदर, तो वो अपेंड से होगा। अब R प्लस का मतलब क्या होता है? R प्लस का मतलब रीड एंड राइट दोनों हो सकते हैं, W प्लस रीड एंड राइट दोनों हो सकते हैं, अपेंड के अंदर यहाँ पे रीड एंड राइट अपेंड में दोनों में हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आरबी का मतलब होता है बाइनरी फाइल, ठीक है, रीड कर सकते हैं बाइनरी फाइल को। मैंने आपको दो मोड बताए थे, देखिएगा यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फाइल दो तरह की होती है, एक टेक्स्ट टेबल एक बाइनरी, ठीक है। ये तो बाइनरी फाइल, ये अभी तक जो मोड थे वो किस पर टेक्स्ट पे कम वर्क करते थे, बट अभी हम बाइनरी वाले पे वर्क बता रहा हूँ मैं। तो जब हम नीचे आएंगे तो देखो मैं इसके अंदर दिखा दूं कि आरबी बोले तो बाइनरी पे रीड करने के लिए, डब्ल्यू भी बोले तो बाइनरी पे राइट करने के लिए, ठीक है। एंड सेकंड स्लाइड में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, एबी, जो ए बी है, ए बी का मतलब अपेंड करना है किसमें, बाइंडी में, तो बाइंडी में अपेंड करना है, ठीक है, बाइंडी के अंदर अपेंड करते हैं हम यहाँ पे। तो अब उसके बाद अगर आर बी ओपन करते हैं, आर बी प्लस ओपन करते हैं तो रीड एंड राइट करेंगे बाइंडी में, एंड डब्ल्यू बी प्लस करते हैं तो रीड एंड राइट बाइंडी में होगा, और ए बी प्लस अगर हम करते हैं तो अपेंड होगा रीड एंड राइट दोनों फॉर्म में बाइंडी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने टेबल आपको समझाई लास्ट के लेक्चर में रह गया था। और स्टूडेंट एक चीज और बताऊंगा, लास्ट के लेक्चर में हमारा क्या रहा था वो मैं क्लियर करूंगा, एंड आज का टॉपिक हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो देखो अभी तक मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम इस तरह से फाइल बनाते हैं ऐसे बन जाती है, बट उसके बाद हमें एक काम और करना होता है, ठीक है, हम फाइल को चेक भी करते हैं कि फाइल ओपन हुई है कि नहीं। अब मान लो कोई किसी प्रकार का कोई ग्लिच आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब फाइल हमारी ओपन ही ना हो पाई हो, तो वो भी हम चेक करते हैं। तो वो कैसे चेक करते हैं? वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाइल यूज करते हैं, ठीक है, वाइल, यहाँ पे वाइल ऑपरेटर यूज किया, एंड उसके बाद जो हमारा यहाँ पे पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर होता है एफ, जो हमारा एफ पी टी आर है, उसको चेक करते हैं कि अगर वो इक्वल इक्वल है किसके, नल के, अगर वो नल के इक्वल इक्वल है, इट मीन्स वो किसी को भी रेफरेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट एफ करा देंगे, और प्रिंट एफ में अंदर करा देंगे क्या, फाइल, ठीक है, कैन, ओके, कैन नॉट ओपन, ओपन करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश एन यूज कर लो, एंड इस तरह से यहाँ पे अब एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पे, मैं एक लाइब्रेरी यूज कर ले रहा हूँ, कौन सी, इंक्लूड एसटीडी STD LIB अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ पे मैं एग्जिट भी यूज कर सकता हूँ। देखो हमारे पास एक एग्जिट मेथड होता है, ठीक है, एग्जिट हम यहाँ यूज करते हैं, एग्जिट मेथड के अंदर हम मिली सेकंड पास करते हैं, ठीक है, मिली सेकंड पास करते हैं कि इतने मिली सेकंड में प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। अगर हमें फाइल नहीं मिल रही है तो फिर हम ओपन करके क्या करेंगे, फिर रिसोर्सेज एलोकेट होगी, इसके लिए एलोकेट होंगे, क्या फायदा, हमारी रैम ज्यादा कंज्यूम होगी, तो इस वजह से हम इसको क्या करा देते हैं, यहाँ से रिसोर्सेज फ्री करा देते हैं। तो ये इससे हम करते हैं चेक, ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था, और मैं आपको श्योर कर दूं कि मैं ऑल जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितनी भी वीडियोस होंगी उनमें सब मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, ये आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, बीच बीच में यूज़ कर भी लूँगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो हम टाइम बचाएंगे थोड़ा सा, और आपको जहाँ पे भी फाइल का वर्क करना है आपको वो यूज़ करना है, ठीक है, ये पूरा यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो उसके बाद यहाँ पे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आज हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ के बारे में। तो एफ प्रिंट एफ कैसे यूज होता है, एफ स्कैन एफ कैसे यूज होता है, वो हम देखेंगे। तो मान लीजिएगा आप कोई डेटा राइट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं एंड एफ राइट एफ स्कैन एफ यूज करते हैं। सो स्टूडेंट देखिएगा, अब हम करेंगे एफ प्रिंट एफ। मान लीजिएगा मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, मैं अपनी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर एफ प्रिंट एफ से कराने वाला हूँ क्या, डेटा, ठीक है, डेटा हमारा क्या करेंगे, देखो अब प्रिंट एफ से क्या होता है, डेटा राइट होता है एंड स्कैन एफ से डेटा रीड होता है। तो सबसे पहले हम अपनी इसको अपेंड में मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, अपेंड में ओपन करने का मतलब पहले मैं इसको करूंगा राइट में ओपन, ठीक है, मेरे को डेटा राइट करना है, ठीक है, यहाँ से मैंने राइट में ओपन कर लिया, एंड मैं यहाँ पे देखो एफ प्रिंट एफ, एफ अगर मैं प्रिंट एफ ओपन कर, प्रिंट एफ यूज करता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इसने आर्गुमेंट बताए, पहला आर्गुमेंट क्या आया, फाइल का पॉइंटर आएगा, तो एफ पी टी आर यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेकंड आर्गुमेंट क्या आएगा मेरे पास,
या सेकंड आर्गुमेंट में हम कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। अगर हम कोई डेट अगर हमारे पास जो डेटा है वो वेरिएबल में स्टोर है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे एंड उसके बाद वेरिएबल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अभी हम पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, तो नॉर्मल हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं दिस इज ओके दिस इज AKHD कर लेता हूँ, मैंने AKHD किया एंड हाँ स्पेस ले लेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ये लगाया मैंने। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा हो गया है, तो देखो अब मेरे पास ये हो गया डेटा, मेरे को क्या करना है, राइट करना है। तो मैं इसको करता हूँ सेव, सेव करने के बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। अब देखो एरर कोई नहीं है, ठीक है, डेटा रीड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फाइल बनी होगी, कौन सी, first.txt के नाम से। तो हम उसको चेक कर लेंगे कहाँ पे हमारी first.txt बनी है। तो ओके ये हमारी बनी है first.txt, इसको ओपन किया, देखो दिस इज AKHD आ गया। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा पैरेलली ओपन कर ले रहा हूँ और इसके बाद ठीक है यहाँ से ये पैरेलली ओपन हो जाएगी एंड यहाँ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये हुआ, अब ये इस तरह से हम करते हैं, ये मैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, अब मेरे पास ये हो गया। अब देखिएगा इस तरह से किया मैंने, अब मैं अगर यहाँ पे अपेंड कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपेंड किया, ये इस तरह से किया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्शन यूज कर लिया। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्शन भी यूज कर ले रहा हूँ, सिलेक्शन यूज किया एंड सेव करता हूँ। अब मैं इसके बाद अगर कुछ और डेटा राइट करना चाह रहा हूँ उसके अंदर, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे किया अंकित कुमार, अगर मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंकित कुमार किया एंड मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करके अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अपेंड हो जाएगा डेटा। देखो इसके बाद यहाँ पे डेटा अपेंड हुआ है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे राइट ही यूज करता तो डेटा ओवरराइट होता, ठीक है, तो डेटा ओवरराइट होता। तो देखो अभी हम फाइल के अंदर परमानेंटली सेव कर रहे हैं। अब एक चीज, ये तो आपने प्रिंटअप सीखा, अब आप सीखेंगे स्कैनएफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक कर लिया, अब क्या करूंगा इसके अंदर, ओके मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास फाइल है ये हमारी ओपन हो रखी है किसमें, अपेंड में, ठीक है, तो अपेंड में है तो हम यहीं पे यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको करना है कि यहाँ से मैं नॉर्मली जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्कैन करूंगा। तो एफ यहाँ प्रिंट एफ, अगर मैं यहाँ पे स्कैन एफ करता हूँ, एफ स्कैन एफ, स्कैन एफ यूज करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो पहले फाइल पॉइंटर आएगा हमारे पास, फाइल पॉइंटर क्या है हमारे पास, FPTR, ठीक है, FPTR है, वो यूज किया एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइप एस भी यूज करता हूँ। ठीक है, एस यूज मैंने कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे STR मैंने यहाँ पे ले लिया, STR लिया एंड प्रिंट एफ करा दूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ करा दूंगा प्रेजेंट टाइप एस के साथ, किसको, STR को, STR मैंने यहाँ पे कराया तो STR मुझे डिक्लेयर भी करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेक्टर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे STR ले लेंगे और उसकी लेंथ दे देंगे 20 मैंने लेंथ दे दी है। अब देखो ये मेरा वर्क परफॉर्म हो गया है। अब मुझे करना क्या है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे अपेंड के अंदर किया था, अब मैं नॉर्मली इसको करता हूँ सेव, सेव करके करता हूँ एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, PA आ गया, ओके यहाँ पे A आ गया है एंड यहाँ पे A आया। अब हम करेंगे क्या है, नॉर्मल यहाँ पे मैंने ये लिया था, अब मैं इसके अंदर अगर मैं इस तरह से करता हूँ, देखो मैंने लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे करके हम यहाँ पे अगर स्क्वायर लेते हैं एंड यहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं तो हमारा जो होगा वो नॉर्मली यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरे उसको यहाँ पे यूज कर लेता है वो। ठीक, तो अब मैं इसको दोबारा यहाँ करता हूँ सेव, सेव करके हम करते हैं इसको एंड मैंने ये किया एंड उसके बाद देखते हैं मेरे पास, ओके एफ, ये मेरे पास पी ए आ रहा है, तो कहीं हम प्रॉब्लम आ रही है हमारी, मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ, डिबगिंग करेंगे हम यहाँ पे। सो स्टूडेंट अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे डिबगिंग, अभी देखते हैं हमारा प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, मैंने ये किया एंड फर्स्ट लाइन में, ओके ओके स्टूडेंट, देखो सबसे पहली हमारी गलती तो यहाँ पे है कि मैंने अपेंड में ओपन किया है। अपेंड में जब भी हम सिंगल, अगर हम ओनली ए मोड यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा जो हमारी जो फाइल ओपन होती है वो राइट फॉर्म में ओपन होती है, ठीक है, ना कि रीड में। अगर इसे अपेंड रीड में करना है तो इसके अंदर या तो हम इसको प्लस में यूज करें, ठीक है, या तो हम ऐसे प्लस यूज करें या फिर सीधा आर यूज करें। तो अभी मैं आर ही यूज करूंगा, ठीक है, आर से ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, अपेंड वाला हम नहीं करेंगे अभी। ये किया एंड नीचे आते हैं और देखो, देखो यहाँ पे ही मैंने एट द रेट यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लगाया, इट मीन्स जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर होता है वो भी मेरे को लगाना था, वो मैंने नहीं लगा पाया था। ठीक है, तो मैं करूंगा सेव, सेव करके हम करते हैं, देन मैंने किया एग्जीक्यूट। देखो एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो पूरी लाइन मेरी यहाँ पे रीड हो जानी चाहिए अब श्योर, तो देखो दिस इज AKHD यहाँ पे मेरा पूरा हो गया है। ठीक है, ये रीड हो गया है, इस तरह से हुआ। अब उसके बाद स्टूडेंट हम करेंगे क्या, मैं अगर मैं आपको देखो ये तो मैंने बता दिया, स्कैन एप आपका क्लियर हो गया और एप प्रिंट एप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने इस लाइन से बताया। अब इस चीज को मैं बता दूं आपको कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इसको बताऊं, तो देखो मान लो मैं इसके अंदर फर्स्ट यहाँ से टी हटा देता हूँ, ठीक है, एंड इसको करता हूँ सेव, सेव करके हम करते हैं एग्जीक्यूट। देखो अब आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, देखो इसने कहा फाइल कैन नॉट ओपन। ठीक है, फाइल को हम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसको इस नाम की फाइल ही नहीं मिल पा रही है, वो इसलिए हम इसको लगाते हैं कि मान लो हमारी कहीं मिस्टेक हो जाए कि हम फाइल सही से ओपन नहीं कर पा रहे, तब ये यूज करते हैं। मैं सभी जितने भी आगे के लेक्चर में सब में यूज नहीं करूंगा, टाइम खराब होता है इस चीज से, बट मैंने आपको यूज करना बता दिया, किसी किसी में यूज भी कर लूंगा तो आपको यूज करना। सो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एक जो सोल्यूशन जहाँ से आपको ये देखने के लिए मिल रहा है उसको यहाँ से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक।